TCS का पावर टीलर है 730। यदि बाद बाद इक्कीस दिन जा रहा ना क्या खाने को जाएगा टाइम पे क्या क्या होगा उनके बैठो आप ये प्लेट डिग्री है ये प्लेट घूम के जो है ना आधा प्लेट कंट्रोल हो जाएगी ये आपकी एक इंच चौड़ाई कम हो जाएगी दो इंच ऐसी दो इंच की जब तक कम होगी दो इंच की जब तक आपका 17-18 इंच का हो जाएगा। ये रोटरी टीलर है इसके पीछे आप रोटावेटर बताओ रोटावेटर के अंदर ये होल दिख रहे हैं आपको ये दिख रहे हैं आपको ये कितनी दूरी ये अभी आपकी 21 इंच की दूरी है ठीक है जी। ऐसी वहाँ से घूमता रहा ना ऊपर को चढ़ गए यहाँ से ये 21 इंच की दूरी तो दो इंच दर तक कम हो जाएगी दो इंच दर तक कम हो जाएगी कैसे होगी नीचे बैठे ये प्लेट देख रहे हैं आप प्लेट देख रहे हो ये प्लेट के तीन बोल्ट बोलेंगे ये अब उधर को लगी हुई है ये बाहर को अंदर को आएगा ये आपकी इतनी चौड़ाई कम हो जाएगी ये आपका दो इंच चौड़ाई कम हो जाएगी हाँ जी हाँ ये गुड्डी तो इधर को रखनी ना मैं तो ये प्लेट बोल के चैट जाती है अभी करवा दूँगा कहूँ तो मैं आपके एक घंटे के अंदर ही ये रोटा बैटर है रोटा बैटर आपका इतना हो जाएगा 18 इंच हो जाएगा ये जो है ना ये बोल्ट खुलेंगे ये बोल्ट खुलेंगे नीचे से आपका फ्लंच ये पैरट ले होगा नीचे से आपका ये वाले बोल्ट खुलेंगे ये वाला तो हमारा बाहर हो जाएगा इधर से ये बाहर हो जाएगा हमारे कमरे रहेगा अंदर से अंदर आपका 18 इंच ये रह जाएगा आपका और ये हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट है बच्चे चलाए जवान चलाए बूढ़े जहाँ पर आप कंफर्टेबल आप इसको चला आपको लग रहा है कि भाई ये छूटी बदले हैं आप जो गन्ने गुड़ाई मिलाई का काम कर रहे हो वो जो मिट्टी फुलफुली ही रहे तो आप इसके अंदर जी सीट अलग से अटैचमेंट लगा सकते हैं सीट का अटैचमेंट यहाँ से आ जाओ यहाँ लगती है सीट यहाँ लग के पीछे सीट आ जाएगी लेकिन खेत के अंदर कभी सीट कामयाब नहीं हुआ आपको कैसे पढ़ना हो जाएगी नहीं नहीं झूठ बोल का धंधा नहीं करना ठीक है जी ठीक इसलिए बस कुछ यंत्र इसके अंदर ऐसे है जैसे रीपर होता है रीपर आपका इसकी इसे हट कर रीपर लग जाता है रीपर के लिए हैंडल आपका वहाँ पहुँच जाएगा पूरा पकड़ ले भैया हाँ हाँ रीपर पकड़ पकड़ हैंडल आपका यहाँ पहुँच गया ठीक है जी। अब इसको जो है आप ऐसे चलेंगे ये आपका गेहूँ काट के एक साइड में गेट करेगा रीपर लगाने का कौन सा वाला हाँ जी रुक गया है रुक गया ये चलेगा अभी सारे पंप जैसे पहले थे ऐसे ही आप एक अपना रेजर टू यदि आप फ्रंज विधि पे खेती करना चाहते हैं इसकी जगह पे एक रेजर टू आता है आप इसे हटाओगे रेजर टू लग जाएगा आपका 4 फीट की दूरी पर 4.5 फीट की दूरी पर 5 फीट की दूरी पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं जैसे बहुत से किसान केले की खेती कर रहे हैं गन्ने की खेती ट्रंज विधि पर कर रहे हैं ठीक है जी मिर्चों की खेती कर रहे हैं या कोई ऐसी फसल जो 4 फीट की दूरी पर 3 फीट की दूरी पर बोई जाती है तो उसके लिए एक रेजर टू आता है ऐसी मिट्टी टक्कर भी नहीं चढ़ा पाने का जैसी मिट्टी भी चढ़ा देगा जो रेजर टू लगने के बाद